अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमामी। और दुआ करते हैं कि इस महंगाई के दौर पे अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और घरों में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, आमीन। फ्रेंड्स, लोगों की बहुत ज़्यादा फीडबैक की वजह से ईरानी सामान की कराची में अवेलेबल मार्केट का सर्वे करेंगे आज, और यहाँ मिलने वाली अशिया स्पेशली ईरानी तेल के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज वीकेंड है तो दिन का आगाज़ हमने साइमा अरेबियन विलास के आगे मौजूद एक होटल से नाश्ते से किया और फिर हम रवाना हुए यूसुफ गोट के लिए। एग्जैक्ट लोकेशन आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ पर ईरानी तेल की बहुत सारी दुकानें मौजूद हैं। ये तेल 1 लीटर से लेकर 5 लीटर की पैकिंग में मौजूद है और तकरीबन 450 से 450 रुपये फी लीटर के हिसाब से ये तेल मौजूद है। इनके मुख्तलिफ ब्रांड हैं जिसमें गुलनाज और हयात ज़्यादा मशहूर हैं। भाई ने एक कस्टमर से फीडबैक लिया, आइए सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कहाँ से हैं? सर गुलजारी जी से हैं। अच्छा, मेरा ससुराल है वहाँ पे। अच्छा बताएं जरा ऑयल के बारे में, थोड़ा डिटेल बताएं। ऑयल यहाँ पे दोस्त बेसिकली तो सारे ऑयल तकरीबन सनफ्लावर ऑयल है और तकरीबन सारे के सारे ही बेहतर हैं। देखिए जितनी अच्छी बॉटल की हालत है, जितनी अच्छी उसकी पैकिंग है, उतनी ही अच्छी वो प्रोडक्ट। अच्छा अच्छा, बेसिकली और कुछ नहीं है इसके अंदर, सिंपल ये देखें आप कि भाई बॉटल की पैकिंग किसकी और कंपनी मेड हो और उस पर एक्सपायरी लाजमी देखिए। एक्सपायरी देख लें, ईरानी से लिखा होना चाहिए, इंग्लिश प्लस ईरानी दोनों होना चाहिए ताकि पता लगे कि वहीं की प्रोडक्ट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा ग्रॉसरी की भी बहुत सारी दुकानें मौजूद हैं, तो चलते हैं एक दुकान में। यार ये हैंड वॉश कितने रुपए तक के? 250 जी। 150 वाला, ये 250 वाला है जी। और ये ऊपर वाला 150 जी। ये हैंड वॉश है 150 का। 150 रुपए का। ये सारा ईरानी सामान है? सारा ईरानी सामान। अच्छा, इसमें एक नंबर और दो नंबर का कैसे पहचान होगा? दो चीज़ें भाई, सारे एक नंबर वाला है। हाँ देखो मुझे 210 इसके अलावा बहुत सारे ईरानी ब्रांड के शैम्पू, क्रीम्स और लोशन मौजूद हैं जिसकी कीमत मार्केट से बहुत कम है, और ये तमाम चीज़ें 250 से 400 तक की रेंज में अवेलेबल हैं। और इन आइटम के प्रोडक्ट क्वालिटी भी देखने में अच्छी नज़र आ रही है। मुझे शॉप पे नाश्ते के लिए शहद, जैम, मायोनीज, फ्रेश क्रीम और ऑलिव्स की बॉटल भी नज़र आईं जिनकी कीमत मैक्सिमम 450 रुपये है, जो कि बाज़ार से आधी कीमत पर है। इसके अलावा बच्चों के लिए मुख्तलिफ ब्रांड के केक, बिस्किट्स और टॉफ़ीज़ मौजूद हैं, और ये तकरीबन एक केक 15 रुपये का है, जो कि बाज़ार में 30 रुपये में अवेलेबल है। भाई ने एक और कस्टमर से इंटरव्यू किया।
भाई हमारे पास करंगी से आए हो, और यहाँ से इतनी दूर से आप करंगी से सामान लेने के लिए आए हैं? बस वो दोस्त के साथ हमने कहा थोड़ा एक आउटिंग भी हो जाएगी, सफर भी इंजॉय हो जाएगा और आगे देख लेंगे। पता ही चला था कि काफ़ी मतलब रीजनेबल प्राइस है यहाँ पे, मतलब काफ़ी अच्छी प्राइस में चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हमने कहा चलें विजिट करके देखते हैं। वैसे एक पूरी मार्केट है यहाँ पे, 8-10 दुकानें मैंने बड़ी देखी हैं। जी मैं भी विजिट करता हुआ आया हूँ, तो मैंने थोड़ा यहाँ पे प्राइस ज़्यादा देखा और मैंने कहा यहाँ पे तकरीबन काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हमने कहा चलो अगर देखते हैं एक ही जगह से हमें मिल जाता सब कुछ तो बेहतर है। वैसे आप सामान की क्वालिटी कैसी लगी? अभी तो देखें फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा, लेके जाएंगे यूज़ करेंगे, उसके बाद ये कि यूज़ करने के बाद फिर फीडबैक आएगा कि किस तरह की चीज़ें हैं किस तरह की नहीं है, तो फिर अच्छी हो तो आगे रिकमेंड भी करेंगे। वैसे आपको ये सामान लगा कैसा है यहाँ पे? सामान तो माशाल्लाह बेहतर लग रहा है, चीज़ें तो सही, क्वालिटी ठीक है, क्वालिटी वाइज बेहतर लग रही है, उसके ऊपर मेंशन नहीं हुई हर चीज़ की, लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि यूज़ करने के ऊपर, यूज़ करके फिर कम। ठीक है, थैंक यू जी। मैंने रमज़ान से पहले अच्छी खासी बचत वाली शॉपिंग कर ली है, आप लोग भी यहाँ आएँ और विज़िट करें और फ़ायदा उठाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफ़िज़।